फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। टुडे आई हैव स्टडीड अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 and 2। एंड आई एम अभिनंदन कुमार आजाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स डीवी सर to give this golden opportunity to introduce physics to you. Dear students, I am new for you, so first of all I like to introduce myself. This is a small introduction about me on your screen. So without wasting your time, chaliye start karte hain. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह है मेरा यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस पे इस वीडियो का पहले की वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूँगा, उसके आगे मैं फॉरवर्ड करूँगा। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसके पहले क्या क्या बता चुका हूँ वो मैं एक बार क्विक रिवाइज करा दूँ। मैं सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में आता है व्हाट इज फिजिक्स, इस चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में पहले अपने 45 मिनट के एक वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ जाके आप इसको ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने पूरा बताया था कि 11th के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे का डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आप लोग इस साल 11th में अगर फिजिक्स आपने लिया है, ठीक है, मेरा इस वीडियो का मुख्य मकसद है आप में फिजिक्स के से रिलेटेड इंटरेस्ट जगाना। 10th तक आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो और आप में एक डर बैठ जाता है फिजिक्स से रिलेटेड, उस डर को आपसे दूर करना और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट दिलाना। क्या पढ़ना है ताकि आप जब सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं और क्या क्या हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, वो सारे चीज़ों को हम लोग मैं बता चुका हूँ था। ये एक मीम है, व्हाट इज फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था, ये सब हम लोग देख चुके थे। पूरा इंट्रोडक्शन मैं इसको फिर से मैं नहीं रिकॉल करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारे चीज़ों को। यहाँ मैं बस आपको जल्दी जल्दी क्योंकि रिविजन करा दे रहा हूँ और ये मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 11th 12th पूरा इंटरमीडिएट के सिलेबस में। मैकेनिक्स पढ़ना है जिसमें हम मोशन और स्कॉस का स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ये सारा साल आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आप देख लीजिएगा। ये तीनों के तीनों आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है, और बाकी सब के सब 12th में पढ़ना है। मैंने एक एक को डिटेल में स्टडी करा चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ क्या होता है, किसके अंदर क्या पढ़ना है। फिर मैं उसी चीज़ को दोबारा नहीं बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का, चैनल का भी लिंक मिलेगा आपको, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। पावर ऑफ फिजिक्स मैंने समझाने की कोशिश किया था कि आखिर क्यों बच्चे फिजिक्स लेते हैं। देखिए आगे भाई, कई लोग कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनना, पहले समझिए कि फिजिक्स क्या है। जब तक आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से चीज़ों को नहीं पढ़ा जाता, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने पावर ऑफ फिजिक्स बताया है कि फिजिक्स पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हो, और ये सारी चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया था कि न्यूटन लॉ पढ़ के आप रॉकेटरी साइंस में जा सकते हो। मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ के, मैक्सवेल्स के इक्वेशंस पढ़ के आप टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हो, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा मारकाट मचा हुआ है। ठीक है, मारकाट मचा होने का मतलब है पूरा उसमें कंपटीशन है, अभी यही टेलीकॉम कंपनी ही आगे बढ़ रही है, जियो आगे बढ़ रहा है, तो उसका पूरा फिनोमेना आपको इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। फिर मैंने बताया था कि फिजिक्स कैसे काम करता है, कैसे एक फिजिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने प्रॉब्लम को अपनी परेशानियों को लिखते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर अपना एक रूल एक हाइपोथेसिस देते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को दूसरे क्वेश्चन पर चेक करते हैं क्या वो हर जगह लग रहा है, ठीक है, फिर एनालाइज डेटा करते हैं, ठीक है, फिर ड्रॉ कंक्लूजन करते हैं, और अगर वो हाइपोथेसिस लग गया उस पर तो ठीक है दूसरे क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं उसी चीज़ को, उस रूल जो हमने बनाया। अगर एक रूल एक जगह पर सही है तो फिजिकल रूल वही हर फिजिकल सिचुएशन में सही होगा। ये होता है इसका बेसिक फिनोमेना। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बताया था कि हम लोग छोटे लेवल पर फिजिकल मॉडल तैयार कर लेते हैं और फिजिकल मॉडल पे हम लोग स्टडी करते हैं,
और जो वहाँ पे फॉलो रूल्स हो रहे होते हैं फिजिक्स के, उसको हम जनरलाइज करते हैं और वही रूल्स आपके जो आप लैब में, एक तरह समझे कि जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं आपके, इस रूल्स को ये चीज़ें फॉलो कर रही है, तो उसी चीज़ को बाहर की भी जो बायड एरिया है उसमें भी वो रूल्स फॉलो होगा और यही एक थ्योरी, एक फॉर्मूला, एक फिजिकल लॉ बनकर निकलता है। मैंने बताया था फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। ये नेचर जो है एक रूल को फॉलो करती है, अपने मनमानी से कुछ नहीं होती है, अगर इस बार है तो भी वो अपने मनमानी से आपके किस्मत के फैसले पासे फिक कर नहीं करती, वो भी एक नियमों से बंधा हुआ है। इसको हमारा साइंस भी मानता है और इसके हमारे धर्म ग्रंथ भी मानते हैं कि पूरी दुनिया कुछ नियमों से बंधी हुई है और अगर खुद इस बार भी इस धरती पर आता है तो उस नियमों से बंध जाता है और यही कारण है कि राम भगवान को भी मृत्यु प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया था ये नासा वाला सब चीज का डिटेल आपको दिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है मेजरमेंट इन फिजिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आपका मेजरमेंट से होता ही होता है। और एक चीज जानिए, फिजिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका मेजरमेंट होना ही है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। जैसे आपकी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कोई मापदंड नहीं है, किसी स्केल नहीं बनाया गया है, इसलिए उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए हमने स्केल बनाया। ऐसा नहीं कि कुछ पहले से डेटा हमारे पास था, नहीं, हम कंपेयर करके ही मेजर करते हैं। हम किसी को रेफरेंस मान लेते हैं कि भाई इतना रहेगा तो हमको जीरो कहेंगे, इससे इतना आगे रहेगा तो एक कहेंगे, इतना आगे और बढ़ेगा तो दो कह देंगे, फिर आगे उतना ही बढ़ जाएगा और तो तीन कह देंगे। इस प्रकार से मेजरमेंट होता है। उस चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्वांटिटीज। जो भी आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बचपन से करते आए होगे, टेंथ में क्या होगा, नाइन्थ में क्या होगा, तो वहाँ पे भी हर क्वांटिटी को आप मेजर जरूर करते होगे। बिना मेजर करके फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ आप मेजर जरूर करते होगे। ठीक है, दीज मेजरमेंट्स शुड बी एक्यूरेट एंड रिप्रोडक्टेबल। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो अपने डेटा लिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए और रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए, यानी कि फिर से अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो वही डेटा आना चाहिए। अगर बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डेटा ही बदल जा रहा है, तो भैया उसका मतलब ही नहीं बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो मेजरमेंट लेते हो उसका दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको हम फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वही आपका जो डेटा आया है वही आना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी इज डिफाइन द यूनिट इन विच द मेजरमेंट आर मेड। तो यदि हम एक्यूरेसी और रिप्रोडक्टिबिलिटी की बात करें तो उसके लिए हमें एक चीज़ आ रहेगी, वह है यूनिट। यूनिट क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे देखिए मेजरमेंट फिजिक्स में कि भाई ढेर सारे अपने लोग अपने अपने यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ भाई कुछ मेजर करते हो जिसमें पानी को अलग जगह कुछ चीज़ों में मेजर करोगे तुम। ठीक है, और आप खाने की चीज़ें उसको अलग चीज़ों में मेजर करोगे। जैसे एक केला कहोगे, एक सेब कहोगे, एक पानी थोड़ी ना कहोगे आप। ठीक है, सोचने वाली बात है, एक केला कह सकते हो, एक सेब कह सकते हो, पर एक पानी कैसे बोलोगे। ठीक है, तो इसी चीज़ों को समस्या को समाधान करने के लिए सब लोगों ने अपना अपना ढंग से मापते थे, क्योंकि पहले तो भाई सब लोग दुनिया कटिच फड़ी थी, कुछ लोग उस एरिया में रहते थे, कुछ लोग उस एरिया में रहते थे, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं था, तो सब अपने अपने ढंग से चीज़ों को करते थे। पर अब सारे चीज़ एक सेंट्रलाइज हो गया, हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो एक ही स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा और इसी को कहते हैं SI स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, क्या है ये, इसको जरा देखते हैं। SI यूनिट में हम सबसे पहले एक चीज़ की बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है, तो हमने कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल कह रखा है। ठीक है, जिसमें हमने किसका किसका नाम लिया है, डिस्टेंस का नाम लिया है, डिस्टेंस जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, मास का नाम लिया है जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसी तरह से हम टाइम को लिया है जिसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर लिया जिसे केल्विन मेजर करते हैं। कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसको लोग बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और उसको अगर आप बड़े एग्जाम में जाते हैं जैसे UPSC में जाते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम में एक पेपर लिखते हो मेंस का, उसमें सब चीज़ें गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने KG पर ध्यान से देखिए, KG का सिंबल मैंने लिखा है K small और G, पर बच्चे कितना भी कह दो वो अपने ढंग से करेंगे और उसको Capital K ही लिखते हैं। कितना भी कह दो Capital K ही लिखते हैं, और Capital K लिखोगे तो वो गलत काट देगा। ठीक है, बड़े एग्जामों में ऐसे गलत काटा जाता है। ठीक है,
तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको छोटे एग्जाम में गलत काटेगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देगा, पर अगर आप हम अभी से उसमें सुधार कर लें तो क्या दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि मैंने वो सब एग्जाम दिया है, मैंने फेस किया तो मुझे पता है, बाकी लोगों भाई जो नहीं किया उनको नहीं पता है। तो डिस्टेंस को मीटर मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड मेजर करते हैं, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल क्या है? तो भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ना फंडामेंटल कहा कि भैया जैसे कि आप एलिमेंट्स कहते हो फिजिक्स में, ठीक है, एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी प्रकार से कुछ फंडामेंटल यूनिट्स रखे कि ये सात ही चीज़ों से सारी चीज़ें बन जा रहा है। इस प्रकार से लोगों ने समझा कि ये सात चीज़ों पर कमांड कर लीजिए, बाकी चीज़ें इसी से बन जाएगी। तो उन्हें ये सात चीज़ों को फंडामेंटल कहा, जो सबसे बेसिक होता है उसको फंडामेंटल कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन का जो यूनिट होता है वो कैपिटल के होता है, सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। करंट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जो कैपिटल ए से यूनिट होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला कहते हैं, इसमें सी और डी दोनों स्मॉल होता है, अधिकतर लोग सी को कैपिटल सी लिख देते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल मेजर करते हैं, मोल में देखिए मोल लिखाता है एम ओ एल ई, ठीक है, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट का सिंबल होता है वो एम ओ एल होता है, ठीक है। मोल का स्पेलिंग ये है, पर मोल को जब हम सिंबल में लिखते हैं तो एम ओ एल लिखते हैं, स्मॉल में तीन होता है, और इसका वैल्यू जो होता है वो 6.02×10^23 के करीब होता है, ठीक है, 6.022 के करीब, 10^23 इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। अब ये सब है फंडामेंटल, पर क्या इतने ही आपको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये इधर फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी तरफ उसके यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या इतने ही फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये फंडामेंटल है, बाकी सब चीज़ें हैं जो इससे ड्राइव्ड है, इससे बना हुआ है, ठीक है। जैसे स्पीड, स्पीड करते हो तो आप कहते हो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर दीजिए स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को फंडामेंटल कर चुके हैं, टाइम को फंडामेंटल कर चुके हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, क्या बन गया? एक ड्राइव यूनिट बन गया। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी खुद ही ड्राइव हुआ है डिस्टेंस बाय टाइम से, तो ये भी एक ड्राइव यूनिट है। जो डिस्टेंस को पहले टाइम से डिवाइड कीजिए, फिर स्पीड आ जाएगा, फिर जो आ रहा है वेलोसिटी उसको फिर से टाइम से डिवाइड कीजिए, फिर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से ड्राइव यूनिट है। उसी प्रकार से फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खुद ही एक ड्राइव यूनिट है, मास भी, मास आपका एक क्या फंडामेंटल यूनिट है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया आपका फोर्स निकल के आ गया। तो ये एक ड्राइव यूनिट है, जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाने से हम, या दो से अधिक से फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ये फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव होके आ रही है। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी, एनर्जी भी आप जानते हो कि एनर्जी निकाला होगा आपने फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग हल्का फुल्का जो आप लोग पढ़ चुके उसी अनुसार मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ज जो कैपिटल क्यू होता है वो करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। चार्ज जो होता है वो ड्राइव यूनिट है, तो कूलाम जो होता है वो ड्राइव यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आपका ड्राइव यूनिट है, सारे के सारे आपके ड्राइव यूनिट है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और फंडामेंटल हमारे पास सात ही यूनिट जो होते हैं वो हैं, या सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो आपके फंडामेंटल हैं, बाकी सारे के सारे ड्राइव हुए हैं उससे बन के आए हैं। अगर यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम न्यूटन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके नाम के सम्मान में, उनके सम्मान में हमने न्यूटन इसको कह दिया। उसी प्रकार से एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर इनके जूल जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में इसका यूनिट हमने उन्हें जूल रख दिया है। चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, एम्पियर सेकंड, ठीक है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके एक कूलाम जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में हमने इसका नाम कूलाम रख दिया, और कैपिटल सी से कूलाम डिनोट होता है, ठीक है। जो जूल डिनोट होता है वो कैपिटल जे से डिनोट होता है, न्यूटन कैपिटल एन से डिनोट होता है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मेजरमेंट पे आता है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसको जरा समझते हैं। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो शुरू हुआ है अभी से लेके आपको इंजीनियरिंग तक परेशान करेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को भी मैंने देखा किसी को नहीं आ रहा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी, नहीं आता लोगों को मेजरमेंट, जबकि ये 11th पढ़ना है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर समझिए, प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना, अगर आप बर्ड को पकड़ेंगे तो बर्ड से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्यूरेट माने जहाँ पे जो हमको आंसर चाहिए उसके करीब तुमको कितने हो, उसको कहते हैं एक्यूरेट होना। प्रिसाइज मतलब होना तुम जो आंसर ला रहे हो वही तुम बार बार सोल्व करके ले आ रहे हो कि नहीं ले आ रहे हो, उसको कहते हैं प्रिसाइज होना, ठीक है। यानी कि तुमने बार बार सोल्व कर, अगर मेरा आंसर है 10
तो 10 के करीब अगर तुम 9, 8 ये सब ला रहे हो तो तुम समझो कि तुम एक्यूरेट हो, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब हमारा आंसर तो है 10, पर तुम ले रहे हो 5, 6, 4 ऐसे कुछ डेटा ला रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है तुम आंसर के करीब तो नहीं हो, पर ये है कि तुम प्रिसाइज हो, जो भी आंसर ला रहे हो तुम कह रहे हो सर हमारा आंसर तो इतने आ रहा है बार बार, ठीक है, या जो भी डेटा जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हो, तो यही है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस, जिसको हम और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसको हिट करना था, ठीक है, इस ये जो बत्तख है इसको तीर मारना है आपको, ठीक है। तो देखो तीर कहाँ लगा, जहाँ जहाँ डॉट है ना वहाँ पर तीर मारा है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है ना तो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी मतलब होना तो चाहिए था कि इस बत्तख को अगर हमको तीर मार तो बत्तख को तो तीर लगना चाहिए था ना, तो एक्यूरेसी है नहीं उसकी, प्रिसीजन भी नहीं है, प्रिसीजन कभी यहाँ मार दे रहा है कभी यहाँ मार दे रहा है, कम से कम वो जहाँ मार रहा वहीं तो कम से कम मारे, अरे कभी यहाँ मार दोगे कभी, अरे बॉलिंग कर रहे हो चलो ठीक है विकेट पर नहीं मार रहे हो तुम, देखो मैं समझाता हूँ, देखो अगर तुम विकेट पर सारे बॉल हिट कर रहे हो तो समझो कि तुम एक्यूरेट हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है विकेट पे हिट का मारना, विकेट पे बॉल कर रहे हो तो समझ लो क्या हो तुम एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी अच्छी है तुम्हारी। पर प्रिसीजन का मतलब क्या है, प्रिसीजन का मतलब है भैया हमको विकेट पे नहीं मारना है, हम उसको ऑफ साइड में बॉल खिलाना चाहते हैं और सारे बॉलें मैंने ऑफ साइड में ही खिला दिया 6 के 6 बॉल, तो समझ लो कि तुम्हारी एक्यूरेसी तो नहीं है पर प्रिसाइज हो तुम, ठीक है, जो तुम चाह रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ना तो उसका प्रिसीजन है ना ही उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, ना ही तो वो एक ही जब हिट कर पा रहा है ना ही वो अपने टारगेट को हिट पा रहा है कर पा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ एक्यूरेसी तो है, एक्यूरेसी मतलब ये देखो बत्तख के आसपास ही सारी चीज़ें मार रहा है, बत्तख को ही मारना है और बत्तख के आसपास ही वो तीर मार रहा है कि प्रिसीजन नहीं है, प्रिसीजन नहीं है मतलब कभी इधर मार दे रहा कभी बत्तख कभी इधर मार दे रहा कभी इधर मार दे रहा, भैया एक ही पॉइंट पे तो मारो कम से कम। तो ये आपका एक्यूरेट तो है, बत्तख को मार तो रहा है पर बत्तख के आसपास तो है पर प्रिसीजन नहीं है। दूसरा देखो ये हाई प्रिसीजन है, सारे का सारा यही पारा मारा है पर एक्यूरेसी ही नहीं है बेचारे की, एक्यूरेसी ही नहीं है। एक्यूरेसी होने का मतलब क्या था कि वो बत्तख को लगे तो सही, अरे बत्तख को तीर लगे तो सही, बत्तख को तीर ही नहीं आया तो हमारा जो लक्ष्य था हमारा जो एम था वही हम पूरा नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रिसीजन का। यहाँ पर देखो हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी है, यहाँ पर बत्तख को भी मारा है और एक ही जगह पर मारा है, कितनी मज़ा आ गया, मारा भी मैंने और एक ही जगह पे मारा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगी, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगी मेजरमेंट का, वो हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज होना ही चाहिए, ठीक है। हाईली एक्यूरेट मतलब जो आंसर हम जाना चाहते हैं वो आंसर ला के दे, दूसरा बार बार वही आंसर ला के दे, ऐसा ना हो कि भाई एक्यूरेसी तो है, ठीक है, पर देखो एक्यूरेसी पर 10 भाई एक्यूरेसी है पर वो दूर दूर वैल्यू ला रहा है, बार बार हम मेजर कर रहे हैं कुछ और आ जा रहा है, किसी और मेजर कर रहे हैं कुछ और आ जा रहा है, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट में हम पकड़ ही नहीं पाए कौन सा रीडिंग लें, एक ही चीज़ को हम बार बार मेजर कर रहे हैं तो चीज़ों को अलग अलग बता रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट वही अच्छी है या वही रीडिंग अच्छी है जो हाई प्रिसीजन में रखे और हाई एक्यूरेसी में रखे, ठीक है। यहाँ पे आपके एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम जानिए, उन्होंने कहा था इट्स बेटर टू बी रफली राइट देन प्रिसाइजली रॉन्ग, ठीक है, आप रफली राइट हो ही रही है वो तो भाई सही है पर प्रिसाइजली रॉन्ग होना बहुत गलत है। अगर रॉन्गली आप एक ही जगह पर करते जा रहे हो, देखो जो गलतियां कर रहे हो और ये देखो प्रिसाइजली गलती कर रहे हो, ये बड़ा खराब चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें था, यही मैं आप लोगों को बताना था। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रिसीजन चीजें समझ में आई होगी, मैं थोड़ा सा प्रिसीजन को और डिटेल में थोड़ा बता दूं उसके बाद इस क्लास को खत्म करूंगा। क्या है प्रिसीजन भाई, तो थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम प्रिसीजन को अच्छे से समझ गए होंगे, पर फिर भी थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं क्या है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट इन एन इंडिकेशन ऑफ द अरेंजमेंट एमंग रिपीटेटिव मेजरमेंट। अ हाई प्रिसीजन मेजरमेंट एक्सप्रेसेज हाई कॉन्फिडेंस दैट द मेजरमेंट लाई विद इन अ नैरो रेंज ऑफ वैल्यूज। क्या है भाई ये प्रिसीजन, तो प्रिसीजन का मतलब समझना है कि भैया रिपीटेटेड वैल्यू लाइए, रिपीटेटिव मेजरमेंट होना चाहिए, जो भी बार बार मेजर कर रहे हो वही वैल्यू लेके आए, ठीक है। तो हाई प्रिसीजन मेजरमेंट का मतलब होता है ये हमको हाई कॉन्फिडेंस देता है, बार बार एक ही वैल्यू आ रहा है तो हम कहेंगे ना यार सही है जो हमने मेजरमेंट, जैसे सर कह दिया आप लोग सर डेटा हमने लाया हमने मेजर करके दिया ये 2 मीटर का है, सर कह 2 मीटर का है जब चेक कर दो फिर से 2 मीटर का है, हाँ सर 2 मीटर का है, बार बार आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रिसीजन आपको कॉन्फिडेंस देता है, एक्यूरेसी तो आपको पहले से ही पता नहीं है
कि सही आंसर है कि नहीं तो बाद में पता लगेगा, पर प्रिसीजन आपको सही कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं सर ये सही है, मैं बार बार मेजर कर रहा हूँ, सही है वैल्यू दे रहा है। तो यही आपको एक आपका जो मेजरमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप बार बार चेक कर, मैंने कहा कि आप आए मुझे कहा कि सर 2 मीटर है ये मेजर मैंने किया है, मैंने कहा दोबारा करो, सर इस बार तो 1 मीटर आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक द मेजरमेंट। प्रिसीजन डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार अगर इंस्ट्रूमेंट हिल हो जा रहा है, एक बार मेजरमेंट कर रहा हूँ कुछ हिल जा रहा है, फिर दोबारा मेजरमेंट कर रहा हूँ कुछ कहीं और डैमेज हो जा रहा है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बार बार अलग अलग रिजल्ट देगा, ठीक है, तो उसको हम हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं करेंगे, उसको बेकार इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, ठीक है। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज 1/2 द स्मॉल डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर एनालॉगस एंड 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर डिजिटल, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे आगे के जो क्लासेज हैं उसमें, ठीक है, आगे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें समझेंगे कि क्या होता है डिवीजन वगैरह में बांटना और ये सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह क्या होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझेंगे। आगे चलते हैं, द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज इफेक्टेड बाय रैंडम एरर दैट आर नॉट कॉन्स्टेंट बट कॉज डेटा टू बी स्कैटर्ड अराउंड अ मीन वैल्यू बी से दैट दे ऑकर एज स्टैटिकली डेविएशन फ्रॉम अनॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि रैंडम एरर भी हम लोगों को आगे पढ़ना है, उसमें भी हम लोग विशेष तरह से हम इसको प्रिसीजन को समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से। तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, इज इफेक्टेड बाय रैंडम एरर से ये इफेक्ट करता है, डेट आर नॉट कॉन्स्टेंट, जो ऑब्वियस बात है फिक्स नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, बट कॉज डेटा टू बी स्कैटर अराउंड मीन वैल्यू, पर प्रिसाइज है तो भाई एक मीन वैल्यू के आसपास ही डेटा रहने वाला है। वी से दैट दे ऑकर एज स्टैटिकली डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मलाइज वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा अगर आप स्टैटिक्स वगैरह पढ़ोगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वो आप इसको समझोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कुछ हायर क्लासेस के बच्चों के लिए भी रहने दीजिए, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे भी चीज़ों को समझेंगे और भी डिटेल में। जैसे यहाँ पे भी कुछ और स्टैटिक्स खतरनाक आ गया है, रैंडम वेरिएबल्स वेरिएशंस कैन बी कॉज बाय स्लाइट चेंज इन प्रेशर, रूम टेम्परेचर, सप्लाई वोल्टेज, फ्रिक्शन और पुलिंग फोर्स ओवर अ डिस्टेंस, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। तो देखो क्या है, रैंडम जो वेरिएशन आ सकता है, जैसे प्रिसीजन में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, बार बार मेजर करोगे ना, तो ये आप मान लीजिए कि आप बार बार अगर एक ही एक्सपेरिमेंट करोगे तो वेरिएशन रीडिंग में आना ही आना है, और रीडिंग वेरिएशन का रीजन भी होता है, ठीक है। तो प्रिसीजन होने का मतलब होता है बहुत ही वेरिएशन तो होगा, ठीक है, एरर तो आएगा, रैंडम एरर तो आना ही आना है, वो हर हाल में आना है, पर प्रिसीजन, इसलिए तो मैंने एग्जाम्पल एक ही पॉइंट पर नहीं मारा, आसपास मारा। प्रिसीजन का मतलब होता है वैल्यू में वेरिएशन तो हो, पर बहुत ही कम हो वेरिएशन, आसपास ही वैल्यू आए, उसको कहते हैं प्रिसीजन। और वो क्यों आता है, तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बार बार बदलता है, रूम का प्रेशर बदलता है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो करंट वगैरह दे तो सप्लाई वोल्टेज में वेरी करता है, ठीक है, फ्रिक्शन और अगर पुलिंग वगैरह फोर्स वोर्स लगा रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन वगैरह का वैल्यू वेरी करता है। इस कारण से आपका जो रीडिंग लेते हो बार बार आपका रीडिंग में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमन इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रैंडम एरर, आप ह्यूमन जो इंटरप्रिटेशन है उसको जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट उससे भी बार बार गलतियाँ होती है, कभी आप सीधा से स्केल नहीं देखोगे, ठीक है, बच्चे तो और हुड़चुड़ करते रहते हैं, वो कभी गलती करेंगे, कभी हिला देंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी, तो ह्यूमन से भी कुछ गलतियां होती है जिसके कारण भी रैंडम एरर आता है, सच एज हाउ द इंस्ट्रूमेंट स्केल इज रीड बिटवीन डिविजन्स। और यही कारण है ये सब सारे गलतियों के कारण ही, ठीक है, आपको प्रिसीजन का मतलब बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर हर बार एग्जैक्ट दो 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 वैल्यू ही देता रहेगा तो फिर प्रिसीजन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि हर बार एक ही वैल्यू दे रहा है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो रहा है तब भी कहते हैं कि नहीं ये प्रिसाइज है, ठीक है, बच्चे से थोड़ा बहुत इधर आ गया होगा, हिल डुल गया होगा एक्सपेरिमेंट में, कोई बात नहीं है, इतना चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रिसीजन को समझा, आधे घंटे का वीडियो हो गया है, ज़्यादा मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं समझा देता हूँ आपको, सिग्निफिकेंट फिगर हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर ही मिलेगा, शांति क्लासेज एस के जाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यूट्यूब चैनल है, उसी पर आपको आगे की वीडियोज मिलेंगे, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए एक बार, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल तो पूरा लिख लोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप जाके सर्च कीजिए,
ठीक है, आपको वहाँ पे इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप बेसिक फिजिक्स वाला जो ये प्लेलिस्ट है उसको आप ढूंढिएगा, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको आप ढूंढिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो इसके मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डीवी सर पढ़ाएंगे ही इसके आगे की चीज़ें और वो पढ़ा ही रहे हैं, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे चैनल पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की क्वेरी को देखूंगा और उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर मेरे चैनल पे भी आके आपको मुझे मेल वगैरह कर सकते हैं, चैनल के अवार्ड में आपको मेल वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।